हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक में। मैं हूं आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने यामा MT-15 और इसको की है मॉडिफाइड। इसका दिखाता हूं क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन की गई है। सबसे पहले दिखाता हूं आपको इसके अंदर लगा देगा वाइजर जो कि मिलेगा आपको मोटो जीनिस का ओरिजिनल। ये आपका होता है पूरा सिल्वर का और ये आपका होता है मेटल का। सिल्वर और या मेटल ये मैचिंग इसलिए होती है क्योंकि इस पर जंग नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये है आपका एल्युमिनियम का और ये है आपका मेटल का क्योंकि इस पर जो है इसको रोका गया पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ जो कि देखते हैं बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। ये इसमें लगा दी गई और नीचे आपको देखने आई डिजाइनिंग जो कि इसके अंदर लग करी हुई है। ये देखिए चाबी ऑन करते ही ये आप देख सकते हैं इसमें हजार्ड भी लगा हुआ है डिज़ाइनिंग के साथ साथ, ऊपर भी डिज़ाइन बना दिया है इसके अंदर। साथ में मिलते हैं रिंग लाइट आपको, वो भी देख सकते हैं आप। और इसके बाद ऊपर दिखाएंगे आपको लीवर जो कि आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर। ये इसके एडजस्टिंग वाले लीवर है जो अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। दोनों तरफ मिलेंगे सेम, इस तरफ सेम मिलता है आपको इस तरफ भी। और इसके बाद दिखाऊंगा वो डिस्क ऑयल कैप जो कंटेनर जो कि लगा दिया गया इसके अंदर। ये इसके ऑयल कंटेनर जो डिस्क ऑयल के होते हैं जस्ट फॉर लुकिंग नॉट यूज्ड। और इसमें लगा दी गई लाइट भी क्योंकि आप देख सकते अंदर से लाइट लगी हुई है। ये चाबी बंद करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, चाबी ऑन करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर देख सकते हैं ये इसकी मास्टर सिलेंडर कैप ऊपर की तरफ MT-15 ब्रांडिंग के साथ है। साथ में पीछे देखने मिलेगी आपको मास्टर सिलेंडर को कैप देख सकते हैं, ये भी लगा दी गई इसके अंदर गोल्डन कलर की। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आइस का जो होता ना, इसमें देखो अलग अलग पैटर्न चेंज होते हैं, अलग 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 जितनी बार करूँगा उतनी बार अलग अलग पैटर्न से बहुत सारे हैं इसके अंदर। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको स्लाइडर्स जो कि आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये स्लाइडर होते हैं जिन लोगों को क्रैश गार्ड नहीं लगवाना वो कुछ इस क्वालिटी पर जा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। गिरने के बाद थोड़े बहुत सेफ हो जाती है, इससे भी टैंक वगैरह खुद के लैग्स भी रहते हैं। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर देख सकते हैं ये MT-15 की ब्रांडिंग का साथ आपको लगा दिया गया सलेंसर प्लेट जो कि इसके अंदर फिट कर दी गई है। गोल्डन गाड़ी में बहुत सारा टचअप दिया हुआ है तो गोल्डन इसके अंदर ये लगा दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं लुक कुछ इसकी जबरदस्त आ रही है लगने और साथ में स्क्रैचेस वगैरह से भी बच जाता है आपका स्टैंड वगैरह। तो देख सकते हैं ये लगा दी गई इसके अंदर, इसका कहते हैं ईयर डक कहते हैं या फिर इसका कान की जाली बोल लो जो ये लगा दी गई है। ये भी गोल्डन कलर की होती है, सेम इधर और सेम इधर नॉट यूज्ड। ये सिर्फ और सिर्फ लुकिंग के लिए होती है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। और एक दिखाएंगे आपको इधर देख सकते हैं ये आपकी गोल्डन कलर की रेडिएटर गार्ड जो कि MT-15 की ब्रांडिंग के साथ है, ये भी इसके अंदर लगा दिया। इससे आपका रेडिएटर तो पूरी तरीके से सेफ क्योंकि जब भी गाड़ी चलती है ना ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग तो कंकर पत्थर इसमें आके लगता है तो आपका रेडिएटर होगा डैमेज, तो उसको बचाने के लिए लगा दी गई आपकी रेडिएटर गिर। अब आपका रेडिएटर हो गया पूरी तरीके से सेफ, ना ही कोई दिक्कत नहीं परेशान। ये अगर ख़राब हो गया तो आपकी गाड़ी वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर आकर बाइक की मॉडिफिकेशन कंप्लीट। अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारे पास हमारा काम कैसा लगा, हमारा बिहेवियर कैसा लगा और बाकी क्या रहा है हमारे। तो पहले तो हेलो और कैसे हैं ये बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए। मैं हूँ नांगलोई से। हाँ, काम कैसा लगा आपको हमारा? एक नंबर काम लगा है, एक नंबर। हाँ, मैं वीडियो देख के आया था, जैसे बाइक तो मैंने अभी ली है मॉडिफिकेशन करवाने के लिए सोच ही रहा था तो एक भाई के पास गया था, उनने आपके बताया क्योंकि SKD नाम से एक है, उसने ID बताई तो मैं वो ID देख के फिर सीधा ही आ गया। हाँ, तो मेरे को मोटिवेशन तो वैसे भी करवानी थी, और भी करवानी है वो बाद में करवाऊंगा, पर लेकिन तो काफ़ी अंडर बजट में काम हो गया आपका। हाँ बिल्कुल, ओवर प्राइस वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल, कुछ पैसे कम भी पड़े तो भैया ने कम भी करे, ऐसे कोई बात नहीं, डिस्काउंट भी करा पूरा। देखो ये मैं सभी से कहना चाहूँगा, जो लोग काम करवाते हैं ना, काम कराने के बाद अगर उनको लगता है कि यार मेरे पे पैसे थोड़े कम पड़ गए हैं या मैं कहीं से उधार मांगने पड़ेंगे ऐसे, तो आप ऐसा काम ना करें। उधार की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे आपके पास नहीं है, आपने काम करा लिया है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है तो आप पैसे की टेंशन मत लीजिएगा। जैसे भैया के साथ हुआ आपको समझ डिस्काउंट समझ, हमारे डिस्काउंट ही होगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि काम कराने के बाद आपको खुद पे गिल्टी फील हो, तो वो मत करना। आपकी अपनी शॉप है, राज भाई आपका अपना भाई है जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपका अपना भाई, तो रियल में मैं आपका अपना भाई हूँ। कभी भी आते हैं तो पैसे की टेंशन किसी भी तरीके की मत लें, बस मुझे बता दें कि भैया मेरे पे 3,000 पड़े हैं, मेरे पे 4,000 पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका सारा काम कर दूंगा। एक दो काम एक्स्ट्रा जो करने वो भी मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बट बजट आप मुझको आपको बता दो तो, और मैं भी बजट के बाद भी थोड़ा ऊपर हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना राजू भाई, चलता नहीं सर बिल्कुल। और कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल यहाँ पर आए, काम भी अच्छा होता है यहाँ पर, मतलब सारी चीज़ अच्छे से होती है। और नेचर वगैरह कैसा लगा हमारे? एक नंबर का। बाकी भैया का बात करना भी बहुत अच्छा लगा, अच्छे से जो चीज़ चाहिए वो बैठाया, पानी पिलाया, सब कुछ एक नंबर। चलो बिल्कुल, जिसको भी करवानी मॉडिफिकेशन यहाँ पे आए अच्छे से अच्छी हो जाएगी। ऑल ओवर सेटिस्फाइड हो आप? बिल्कुल, मैं तो हूँ, आगे से भी यहीं आऊँगा। तो भैया सेटिस्फाइड है आपको और अपना काम करा के सेटिस्फाइड होना है तो आपको आना कहाँ पर है? ओनली फॉर राज भाई की शॉप पे,
जो कि मिलती है दिल्ली के करोलबाग नायवलन के अंदर। मेरी शॉप है वो आपको एड्रेस देखने में पीछे है 36 नंबर गली फ्रंट में देंगे, फ्रंट है आर्य समाज रोड जो कि दान न्यू साउथर्न होटल के अपोजिट मेरी शॉप मिलती है SKDK नाम से, जो कि आपके अपने राजू भाई की शॉप है। यहाँ पर आकर जो भी काम करना आप इजीली करा सकते हो। वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें राजू भाई SKDK को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।